Hello everyone, good morning. Today we are going to learn maths. See what we learn in the last period? We learn number names, right? So today we are going to learn the new topic, which is counting in groups. Okay, so this is your maths textbook and page number 12. Okay, look at this picture everyone, look at this picture. What is this? See, these are match sticks, right? Now can you please count the match sticks, how many they are? Okay, so start counting. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 okay, how many total there are? There are total 35 mastics. Yahan pe ye total kitne mastics hai? 35. हमने कैसे काउंट किया? 1 2 3 करके ये लास्ट आया है 35, राइट? अभी देखो, ये मैस्टिक काउंट करने का और भी एक मेथड है. यू कैन यूज अदर मेथड्स. सी, देयर आर सो मेनी मैस्टिक्स, राइट? इफ यू काउंट 1 2 35 इट्स टेक सो मच टाइम. सो यू कैन मेक 10 मैस्टिक्स ग्रुप ऑल्सो. हम लोग 10 मैस्टिक्स का ग्रुप भी बना सकते हैं, तो हमारे लिए कैसे इजी होगा. देखो यहाँ पे अगर मैंने ऐसे काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 आया, दिस इज वन ग्रुप. देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज अदर ग्रुप. And 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, this is third group. And remaining units are 1 2 3 4 5. So आप ऐसे भी count कर सकते हैं. How many groups, tens के यहाँ पे कितने groups हुए हैं? How many groups? 1 2 3 groups. So you can write here 3. And how many single units? 1 2 3 4 5. Now look here, the both the answers are same. Yes, ये दोनों answers same आए हैं. Yes, क्योंकि अगर हमने 1 2 3 4 करके 35 तक count किया, तभी भी ये मैस्टिक 35 है आए हैं. अभी 10 मैस्टिक्स का हमने एक एक group बना के count किया, तभी भी वो 35 है. बट ये स्टेप्स इजी है अगर आप ग्रुप बना के काउंटिंग करते हैं तो, राइट? नाउ लुक एट इन दिस पिक्चर, देर आर सो मेनी फ्लावर्स. देन कैन यू टेल मी हाउ मेनी फ्लावर्स आर दे? ये टोटल फ्लावर्स कितने हैं? सो जो सेकंड स्टेप्स है, सेकंड जो हमने मेथड सीखी है, वैसे हम ये काउंट करेंगे. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे वन लाइन में 10 फ्लावर्स है, राइट? तो 10 फ्लावर्स का हम एक ग्रुप बनाएंगे, 10 का ग्रुप करेंगे. ओके, सो दिस इज वन ग्रुप. अगेन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यस, यहाँ पे भी 10 फ्लावर्स है, तो 10 का ये टू ग्रुप्स हो गया. ये भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6. यर आर ओनली 6 फ्लावर्स. सो ये 10 नहीं हो रहा है, तो ये ग्रुप बनेगा क्या? नहीं. तो ये क्या है? सब सिंगल यूनिट्स है. तो अभी आप देखो यहाँ पे कितने टेंस के ग्रुप मिले आपको? 2 टेंस के ग्रुप मिले, राइट? एंड हाउ मेनी सिंगल फ्लावर्स? 1 2 3 4 5 6. 6 सिंगल फ्लावर्स. सो राइट हियर 6.
What is the number? 26. And you know everyone, in number 26, this is tens and this is units, right? अगर आपको भी ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर प्रॉपरली, इसका आंसर आप प्रॉपरली लिख पाओगे ना. गुड. नाउ लुक हियर एवरीवन, सी दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम. व्हाट इज दिस? दीज आर सम मैचस्टिक्स, राइट. सलमा हैड 24 मैचस्टिक्स, मीन्स देयर इज वन गर्ल सलमा, she having 24 matchsticks. तो 24 कैसे लिखा है देखो, ये 2 tens है and 4 single matchsticks है, इसलिए 2 tens है and 4 units है. तो number कैसे लिखा है यहाँ पे? 24. Okay, now the next problem. Look here is Sharad and Sharad had 45 sticks. How many sticks Sharad had? Sharad had 45 sticks. Okay, so can you tell me how many tens? How many tens here? Count it. 1, 2, 3, 4. So write here 4. 4 tens and how many single units? 1, 2, 3, 4, 5. 5 single units, right here. 5. Then what is the number? 45. Understood everyone? Okay. Now, again we will solve the next question. See here. Here are how many tens? 1, 2. 2 tens ke. मतलब 10 मैचस्टिक्स के 2 बंडल्स है. मतलब ये टेंस कितने हैं? 2. एंड सिंगल मैचस्टिक्स कितने हैं? काउंट करो. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 सिंगल मैचस्टिक्स है. तो नंबर क्या हुआ ये? 2 टेंस, 6 यूनिट, 26. ईजी है ये. गुड. यहाँ पे भी सेम. हाउ मेनी स्ट्रिंग्स? 1, 2, 3, 4. 4 tens, मतलब 10 bits के कितने strings है? 4 है. तो 4 tens है. And how many units? 1, 2, 3 units only. Then what is the number? 43. What is the number? 43. Then next is, count these tens. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tens के ग्रुप है. और सिंगल यूनिट्स कितने देखो? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 सिंगल यूनिट्स है. तो 5 नंबर जाएगा टेंस प्लेस पे, 6 नंबर जाएगा यूनिट प्लेस पे. क्या मिला नंबर हमें? 56. अंडरस्टूड एवरीवन? इजी है ये. यस. सो इसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, मैं आपको ये होमवर्क में देने वाली हूँ. इतना आप रिविजन करोगे तो वो होमवर्क के क्वेश्चन आंसर्स आप इजीली सॉल्व कर पाओगे. और एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, अगर यहाँ पे आपको नंबर दिया है जैसे कि 16, तो आपको यहाँ पे नंबर फ्लावर्स यानी कि आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं उनको काउंट करके आपको नंबर लिखना था. अभी यहाँ पे आपको नंबर दिया है, अभी आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है. तो कैसे करोगे? देखो 110 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 1 स्ट्रिंग्स निकालेंगे, मतलब 1 माला निकालेंगे. उसमें कितने बिट्स आने चाहिए? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हमने ये 1 स्ट्रिंग क्यों ड्रॉ की? बिकॉज़ यहाँ पे टेंस के प्लेस पे 1 नंबर है. अगर यहाँ पे 7 रहेगा तो इधर 7 माला ऐसी आनी चाहिए. अगर 3 रहेगा तो 3 माला आनी चाहिए. एंड सिंगल यूनिट्स कितने? देखो यूनिट प्लेस पे 6 है, तो यूनिट्स आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 है। अगर ये यूनिट प्लेस पे 3 रहेगा तो 3 बिट्स आएंगे, 4 रहेगा तो 4 बिट्स आएंगे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, सो इसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं आपको होमवर्क के लिए, वो अच्छे से आपके मैथ्स नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।